नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज कार्तिक आर्यन की फिल्म धमाका का टीजर आया है और यह बात कही जा सकती है कि यह बहुत धमाकेदार टीजर है। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं राम माधवानी और रोनी स्क्रूवाला की कंपनी के बैनर तले यह फिल्म आ रही है। इस फिल्म के टीजर को देखते हुए यह एहसास होता है कि एक न्यूज पर्सन की कहानी है और जो अपनी जिम्मेदारी निभाने के आत्मिक संघर्ष में फंसा हुआ है कि वह क्या करे। वह शुरू में फ्रस्ट्रेटेड दिखाई पड़ता है, वह साफ मना करता है कि नहीं, यह मुझसे नहीं हो पाएगा, और न्यूज प्रोडक्शन के अधिकारी के कहने पर वह इसको करने को तैयार होता है। चैनल का नाम भरोसा टीवी है और भरोसा टीवी में वह एंकर फिर से इस बात के लिए राजी होता है। अभी जिस तरीके की स्थितियां चल रही हैं उसमें यह फिल्म बहुत ही प्रासंगिक दिखाई पड़ रही है। बाकी फिल्म आने पर पता चलेगा कि फिल्म के अंदर क्या क्या है। हाँ, इस टीजर के साथ जो प्रेस रिलीज आया है उसमें बताया गया है कि कहीं एक बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है और उसकी सूचना शायद न्यूज एंकर के पास है और उसे अब तय करना है अपने जमीर, अपने कैरियर और मनुष्यता के बीच में कि वह किसके साथ जाए। और इसी आत्मसंघर्ष में वह जूझता हुआ परेशान हाल पर्दे पर दिख रहा है, जो टीजर में बताया जा रहा है। अभी अगर हम टीवी की दुनिया से और न्यूज की दुनिया से बाहर निकले, न्यूज रूम से बाहर निकले, तो हम देखेंगे कि किस तरीके से अभी पिछले कुछ समय में पत्रकारों का फ्रस्ट्रेशन सामने आ रहा है, किस तरीके से वे परेशान हाल हो करके नौकरियां छोड़ रहे हैं और कुछ ने तो आत्महत्या तक कर ली है। यह कहीं ना कहीं उस विवेक की लड़ाई है और हमारी फिल्म ये जो दिख रही है धमाका, उसमें भी यही बात हो रही है। टीजर के बाद ट्रेलर, ट्रेलर के बाद फिल्म आएगी तो सही जानकारी मिलेगी। लेकिन टीजर से यह संकेत जरूर मिल रहा है कि कार्तिक आर्यन अभी तक जिस प्रकार की रोमांटिक कॉमेडी की फिल्में करते रहे हैं उससे एक अलग जोन में वे इस बार आए हैं और कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। राम माधवानी के सदे निर्देशन में और उनकी स्क्रिप्ट है ये, और हमें उम्मीद है कि यह एक बेहतरीन फिल्म साबित होगी। और अभी के न्यूज के फील्ड में जो चीज़ें हो रही हैं वो करीब से देखने समझने का मौका मिलेगा। तो अभी इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।